और चलिए अब खबरों को विस्तार से देखेंगे। तो देखिए, चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फिर से फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया है कि एसबीआई ने जो आंकड़े चुनाव आयोग को दिए हैं उसमें बॉन्ड नंबर के बारे में नहीं बताया गया है, जबकि इसका साफ आदेश था। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस जारी किया है, 18 मार्च को इस पूरे मामले में फिर से सुनवाई होनी है। बॉन्ड नंबर नहीं देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे, इलेक्शन कमीशन को आंकड़े नहीं दिए गए, बॉन्ड नंबर की जानकारी क्यों नहीं दिए गए, ये तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछे गए। बॉन्ड नंबर नहीं देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सवाल पूछे गए हैं। और निपुण इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। निपुण, और क्या क्या हुआ सुनवाई के दौरान, जरा विस्तार से बताइए। जो बॉन्ड नंबर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है एसबीआई को लेकर, क्या ये पूरा मामला? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि पूरा का पूरा ब्यौरा देना है, स्टेट बैंक को पूरा का पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराना है चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग उसे प्रकाशित करेगा। इस बीच में स्टेट बैंक आया और उसने कहा कि हम आंकड़ों का मिलान नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो दो अलग अलग जगह पर रखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आंकड़ा जैसा है आपके पास वैसे दे दीजिए। स्टेट बैंक ने दे दिया और चुनाव आयोग ने उसे प्रकाशित कर दिया। लेकिन आज जब मामले की सुनवाई हुई तो चीफ जस्टिस ने यह सवाल उठाया कि हर बॉन्ड जो बेचा गया था, जिसे किसी कंपनी ने खरीदा था और बाद में राजनीतिक पार्टी को दिया था, उसका एक बॉन्ड नंबर होता है, यानी एक यूनिक नंबर होता है जिसके माध्यम से पहचान की जा सकती है। वो आंकड़ा या उसकी जानकारी स्टेट बैंक ने नहीं दी, जबकि ये स्पष्ट आदेश था कि बॉन्ड नंबर, बॉन्ड की तारीख, बॉन्ड की राशि और बॉन्ड खरीदने वाले का नाम, और उसी तरह से जब उसको कोई कैश कराता है तो किस बॉन्ड नंबर को किसने कैश कराया, ये जानकारी स्टेट बैंक को देनी है। तो बॉन्ड नंबर जब उल्लेख नहीं किया स्टेट बैंक ने, यानी कहीं ना कहीं ये जानने में कि किसने बॉन्ड खरीदा, कितने का, कौन सा बॉन्ड खरीदा और किसको दिया, इसका मिलान करने में समस्या आनी है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हमारे स्पष्ट आदेश के बावजूद स्टेट बैंक ने बॉन्ड नंबर नहीं बताए चुनाव आयोग को, ये सही नहीं है और इस पर स्टेट बैंक से जवाब लेना जरूरी है। ऐसे में जवाब मांग लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, नोटिस जारी किया और सोमवार को सुनवाई होगी। जी, अब ये तो बड़ी बात है निपुण की, जब साफ तौर पर आपको आदेश दे दिया गया था कि आपको बॉन्ड की जानकारी देनी है, नंबर की जानकारी देनी है, उसके बावजूद भी आपने वो सब चीजें शेयर नहीं की है, तो इसके जो सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछे गए, जवाब में क्या एसबीआई की तरफ से कहा गया है कि क्यों आखिरकार जो बॉन्ड नंबर थे वो उपलब्ध नहीं करवाए गए जब साफ तौर पर आदेश दे दिए गए थे? देखिए, इसी बात का जवाब देना स्टेट बैंक क्यों, क्योंकि स्टेट बैंक की तरफ से आज कोई मौजूद नहीं था। आज दरअसल जिस आवेदन पर सुनवाई होनी थी वो चुनाव आयोग ने दाखिल किया था, क्योंकि चुनाव आयोग को पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि वो राजनीतिक पार्टियों से, यानी जब तक इलेक्टोरल बॉन्ड का जजमेंट नहीं आया था उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि राजनीतिक पार्टियों से चुनाव आयोग जानकारी ले। जी। ABP News, आपको रखे आगे।